मैंने कहा था ना आपसे कहीं मिले ना मिले जमालपुर में मिल जाएगा कोयला। अरे मैंने आपको पहले बताया था यहाँ तो बहुत कोयला है भाई, क्या रेट होगा? तो आज नजी भाई का बारबेक्यू करने का इरादा बनाया तो सारा काम तो हो चुका है, मैरिनेशन ये सब, और कोयला नहीं था हमारे पास तो कोयला लेने आए हम यहाँ पर। तो अभी अंकल नमाज़ पढ़ने गए तो पता करते हैं क्या कुछ रेट है और आपको बताते हैं। और यहाँ जाम लग चुका है, ये सामने आप देख सकते हैं जमालपुर की मार्केट है जो हमें निकल जाती है, भीड़ लग चुकी है यहाँ पर। तो ये है मार्केट जमालपुर की, हमें निशा जैसी है बिल्कुल। ये देखिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, सारा सामान मिल जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी मार्केट में बहुत भीड़ होने लगी है। अरे अचानक भागे क्यों? जाम बहुत लगने लगा है। तो मैरिनेशन हो चुका है नहीं? मैरिनेशन सब कुछ तैयार है, बस जाके बस कोयला लगाना है, बस जाके आग लगानी। कितना किलो है क्या चिकन? 3 किलो है। अब आप तो 10 किलो बता रहे थे। नहीं वो प्लान चेंज हो गया। अच्छा तो चलिए तो कोयला लेके घर चलते हैं, पूरा व्यू दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ पर 45 रुपये किलो कोयला है, ये देखिए। तो जल्दी से 5 किलो लेते हैं कोयला और चलते हैं घर। इमली के हैं? तो देख सकते हैं हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, आग लगा दी ना जो है ना। और रैयान क्या लेके आए आप? पटरे। थक तो नहीं गए? ना। मैं तो धुएं से भी नहीं खाऊंगा। वैसे आजकल बारबेक्यू करना सही है ना, थोड़ा मौसम ठंडा हो गया तो पसीने भी नहीं छूटेंगे। ओ ये 8 घंटा हुआ है पूरा मैरिनेट। और उसके बाद कहाँ गए थे आप? कहाँ गया? चूहा ले गया। कब आया था? पकड़ा नहीं चूहे का आपने? हाँ फेंक दिया नाली में। लेकिन चूहे ले गया, दांत ले गया? हाँ मैंने तोड़ के मिट्टी के अंदर डाल दिया, वहाँ से ले गया। वो तो छुट्टी भी होके मैं तो घूम लिया आया। कहाँ पे? नैनीताल। नैनीताल? नैनीताल के वो कहाँ ब्लॉग बनाया ही नहीं। टेक्निक से चलिए भाई की वो लेकर आओ। तो हमारी अनबॉक्सिंग होने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो चेक करके बताइए कैसा हुआ है मैरिनेशन? सही है। तो इसे थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो गया है और इसका जो मसाला है वो सारा नीचे पहुंच गया है। तो इसे मिक्स करते हैं। तो ये जाली पे करेंगे ना जी भाई या फिर सीख में? सीख पे। जाली में सही तो हो नहीं पाता है ना, एक सीख में मेरे ख्याल से 3 या 4 लगेगी। तो आसानी से हो जा रहा है काफ़ी ना, क्योंकि मैरिनेट अच्छा हो चुका है। तो देख सकते हैं एक सीख रेडी हो गई है हमारी, इसमें 4 बोटी है और दूसरी लग रही है। तो ये तीनों बच्चे भी आ रहे हैं ऊपर। जल्दी आइए। हानिया क्या खा रही हैं आप? लॉलीपॉप खा रही हूं। लॉलीपॉप कौन नहीं खाए? किस कलर का है ये? लेकिन अच्छे। हानिया आपका किस कलर का लॉलीपॉप? येलो। अल्लाह हु। हानिया हानिया बोले अल्लाह। हानिया हानिया किस कलर का आपका ये? ऐसे करता पॉपकॉर्न। करते हैं 3 सीख लग चुकी है हमारी और ये चौथी है। मेरी तो बहुत गर्मी आ रही है भाई। हाँ फ्लेम बहुत तेज हो चुका है। क्या है ये? चिकन है। क्या है? चिकन। आप बताइए क्या है? चिकन। खाएंगे आप? नहीं खाएंगे। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़े लेग पीस हैं ये। तो एक सीख में 2 लगाए हमने,
एक के ऊपर एक कर दिया, नहीं तो बाहर निकल लेते। टोटल एक दो तीन चार छः सीख हो गई हैं, लग चुकी हैं टोटल। एक और आ जाएगी शायद ना। असलम है वो, क्या असलम दिल्ली का फेमस है, खतरनाक बनने वाला है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, जली ना जली ना। अभी नहीं हुआ हुआ, ये बहुत धीरे धीरे, क्योंकि बोटी बड़ी बड़ी है, टाइम लगेगा इसमें। क्या हुआ? ये जो ऊपर से टपक रहा है ना, ये सब मसाला अंदर तक अच्छा होगा सब। अभी टेस्ट करके बताइए कैसा है। हादिया हादिया कैसा है? अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हो गया अब तो, मतलब 5 मिनट में हो जाएगा तब। जल्दी हो जाएगी वो, मैरिनेट बहुत अच्छा हो गया था ना, इसलिए जल्दी हो पक गया। और खाना है? पकते जाए पहले। अकलम वाला जो अपना पुराना वाला, इसका दोस्त से उठाओगे तो ऐड जाता है, वो ये लोग ऊपर से वो नहीं लगाते ना, ऑयल ऑयलिंग नहीं करते, इसलिए ऐड जाता है। इस तरह से हम लोग का बहुत सही रहेगा क्योंकि ऑयलिंग हो रही। तो ऑलमोस्ट हो ही चुका है, और बहुत धुआं निकल रहा है, कोयला बेकार दिया। कोयला तो सही है, वो ऊपर से जो मसाला टपक रहा है ना, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। और खाना है? जाए पहले। हाँ ये वाली तो होगी, हटाइए से चेक कर दिए, चेक कर लिए फोर्थ पॉक से चेक करके। हो गई, हो गया, हो गई। एक सीख हो चुकी है, पहली सीख है हमारी, सीख हो गई है। इसे उतारिए, इसका उतार रहे हैं हॉटस्पॉट में। तो एक पीस निकाल लिया हम लोग ने टेस्ट करने के लिए। आज बेटा दो रही है, गला हुआ है नहीं, बहुत जबरदस्त गला हुआ है, देखिए टूट टूट रहा है ना बिल्कुल। बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया, पक भी गया अच्छा। और टेस्ट कैसा है? बहुत अच्छा है, यूँ ही टूट जा रहा है। अच्छा है, अरे सही तो खिलाइए। हादिया और लेंगे आप? लिए दिए हादिया को, लाइए मैं भी करूँ टेस्ट। दूसरी सीख निकल चुकी है हमारी, अच्छी से हुई है। वाह, तो सारी होती आ रही है जल्दी जल्दी। आप जल्दी यार है ना, जल्दी लड़ाई है। तीसरी सीख सारी हो गई, अब दूसरी छुप चलेगी। बेटा भी देगा। और खाने? खाने अच्छा है या नहीं? और खाने अच्छा है। तो वो देख सकते हैं सारा खत्म हो चुका है, और ये सेकंड राउंड चल रहा है। टोटल 20 सीख होंगी मेरे ख्याल से ना। फर्स्ट राउंड वाला तो पूरी निकल चुकी है, सेकंड राउंड चल रहा है हमारा। देख मसाला क्या करना है, मसाला नीचे आएगा सस्त व्यस्त रोटी में मिला के। फ्रेंड्स के लिए कर देना अपने, एड्रेस डाल देगा, ले जाएंगे आगे। कल सुबह रोटी में डाल के आटे इसमें मिला के बोटी जैसा पीस बना दे। अच्छा, आटे का पीस चिकन जैसा। हाँ, तो ये सेकंड चाप जो बन जाता है ना, वो बना देंगे। तो ये सेकंड राउंड जल्दी से कम्प्लीट हो जाता है, फिर इसमें चटनी और बटर वटर डालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।
हाँ जी, तो देख सकते हैं इसमें अमूल का बटर डाल रहे हैं हम लोग, और चटनी वटनी डालें तो मसाला सा? चटनी वटनी डालेंगे। अच्छा, अमूल का बटर डाल चुका, आप चटनी डालेंगे। हाँ चलाई जाएगी, ये चटनी है। क्या क्या डाला है? मैं हाथ लिया के बाहर। अच्छा, तो क्या क्रीम और क्रीम दही अभी दोबारा से बनाएगा। अच्छा, अब मिक्स करते हैं। मिक्स करके चेक कर लीजिएगा, शेक बन के होगी। बटर कब डाला आपने? असलम चिकन को फिल कर दिया ना जो आपने, टेस्ट आया बहुत बढ़िया। इसके साथ टेस्ट करके दिखाऊंगा कैसा है। असलम चिकन को फिल कर दिया नहीं आपने? भाई हमारा अपनी रेसिपी है, उससे भी बढ़िया ना। वो तो कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया है। तो अपना अपना मसाला है, बटर है और चटनी है इसमें अलग तरीके की, तो बहुत अच्छा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, कमेंट कर बताइए कैसी लगी वीडियो। चलिए अब तक के लिए बाय।